दीजिएगा आप, या क्या शिक्षा दिया होगा? गलत कहाँ है, कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता, हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए, अगर मिल जाता तो नहीं जानते, बस यही बात है। तो लड़की वाले कह रहे हैं, इनके पिताजी कह रहे हैं कि हम जो है, जो हमारी व्यवस्था हो चुकी है थोड़ा बहुत, हमने जो अरेंज किया है वो हम दे रहे हैं आपको, बाकी जो है पैसे हम बाद में दे देते हैं। तो आप इस पे, आप नहीं, बाद वाला काम नहीं होगा, जो होगा आज होगा और अभी होगा, और मेरा जो डिमांड है वो पूरा होगा तभी शादी होगा, नहीं तो हम लोग बारात लेकर वापस घर चले जाएंगे। बताइए, तो यदि आपको यही काम करना था, इसी तरह का सोच रख के आए थे आप, तो शादी करने से पहले, यानी कि यहाँ पे आने से पहले ही आप मना कर देते, या बोलते कि हमें पहले पैसे दीजिए उसके बाद हम जाएंगे? उन लोगों से बात हुई थी फोन पर, बोले कि अच्छा आइए मेहमान जी, यहाँ आपका सब कुछ रखा हुआ है, और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि अभी तक नहीं अरेंज कर पाए हैं ये लोग। अगर ऐसा बात था तो अपने औकात वालों जैसा कर सोच मतलब खोजते, अपने से ऊंचे और सरकारी नौकरी वाले करते हैं और नहीं दे पाएंगे तो कहाँ से शादी होगा? हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे? देखिए दोस्तों, मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है, 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना? सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है, तो उम्र वक्त में मिल जाएगा? नहीं नहीं, हमको अभी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब ये पढ़े लिखे लोग जो है इस तरह का घटिया काम करते हैं, तो फिर जो अनपढ़ है वो यदि कर लेंगे तो कौन सी गलत बात है? मेरे ख्याल से आप ऐसा कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप अपने पिताजी को जाइए समझाइए, थोड़ा खुद ही समझाइए आप। इसमें समझाने वाली बात कहाँ है? आपकी नाक कट रही है ना इसमें, नाक आप बारात लेके आए हैं, हैं? उधर लड़की वाले भी जो है भाई इज्जत पे पड़ता है ना, आप समझते हैं ना गांव में क्या होता है। ठीक है, बात करते करके देखते हैं डैडी से, ठीक है? हाँ कीजिए, आप जाइए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.